त्योहारों पर बढ़िया बढ़िया खाना ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब बढ़िया खाने का नाम आता है तो इंडिया के अंदर सबसे पहले नाम आता है बिरयानी का, जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे फेस्टिवल स्पेशल बहुत बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बिरयानी। मतलब आप बोल सकते हैं फेस्टिवल के लिए एकदम स्पेशल और रॉयल खाना, वेरी इजी वेरी टेस्टी। साथ के साथ मैं आपको वो सारी टिप्स और ट्रिक्स भी बता दूंगी जिससे आपके लिए अब बिरयानी बनाना एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो इस बार की दिवाली पर मेहमानों को खिलाइए ये रॉयल पनीर वेज बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिवल स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो वही लेने होंगे हमें चावल। तो यहाँ जो हमें चावल लेना है वो हम लेंगे बासमती राइस। ऐसे तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं लेकिन बासमती राइस से बिरयानी बढ़िया बनती है। तो यहाँ चावल को हमें सबसे पहले 20 से 25 मिनट के लिए भिगोना होगा। तो मैंने यहाँ 400 ग्राम चावल लिए और इसको मैंने लगभग 20-25 मिनट पहले भिगो दिया था। अभी आप देख सकते हैं कि चावल एकदम फूल करके सफेद सफेद दिख रहे हैं। तो जो ऊपर एक्स्ट्रा पानी आप देख रहे हैं ना, इसको हम निकाल देंगे। अब गैस पर चढ़ाइए एक बड़ा बर्तन और उसमें हम लेंगे लगभग 1.25 लीटर के करीब पानी। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है तो इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच ऑयल। इससे ना चावल खिले खिले रहेंगे, शाइनी रहेंगे। साथ के साथ फ्लेवर के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ एक तेज पत्ता, 3 से 4 हरी इलायची। चावल में ना एकदम बढ़िया खुशबू आ जाएगी यहीं पर। साथ के साथ डालेंगे 2 स्प्लिट हरी मिर्च और जाएगा 1 छोटी चम्मच नमक। नमक जरूर डाल दीजिएगा, इससे जो बिरयानी में नमक होता है एकदम बैलेंस रहता है। पानी में बिल्कुल बढ़िया उबाल आ रहा है तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे हमारे भीगे हुए वाले चावल। अब आप फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और चावल को अब हम धीरे धीरे पकाएंगे। याद रखिए यहाँ चावल को हमें पूरा नहीं पकाना है, बस ऐसे समझ लीजिए 75%, यानी उसमें थोड़ा सा कच्चापन रहना चाहिए क्योंकि आगे हम बिरयानी में दम देंगे ना तो वहां भी वो पक जाएगा। तो बस इसी बात का हमें ख्याल रखना है कि थोड़ा कसर रह जाए। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बनाएंगे एकदम इजी। तो यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 300 ग्राम फ्रेश पनीर और पनीर को मीडियम साइज में कट कर लिया है। ज्यादा छोटा या ज्यादा पतला मत काटिएगा। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप डालिए इसके ऊपर हल्का सा नमक। यहीं पर थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर और चुटकी पर डाल देंगे हल्दी, बहुत ही लाइट। मिक्स नहीं करेंगे इसको, इसी तरह छोड़ दीजिए क्योंकि मिक्स करेंगे तो फिर टूट सकता है ना पनीर। तो बस इसी तरह छोड़ दीजिए, वो मैरिनेट हो जाएगा। तो जब तक ये 10 मिनट मैरिनेट हो रहा है देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए चावल को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 75% के करीब चावल पक गया है। इससे ज्यादा हम चावल को बिल्कुल नहीं पकाएंगे। गैस को बंद करेंगे और चावल को छान लेंगे। एक छलनी लगा लेंगे एक बर्तन के ऊपर और पूरा चावल छान लेंगे। और हाँ, ये जो पानी बचा है ना इसे भी फेंकेंगे नहीं, इसमें बहुत टेस्ट होता है। तो बिरयानी बनाने में जो पानी की जरूरत पड़ेगी वो हम इसी में से लेंगे। चलिए तो अब बनाते हैं अपनी पनीर बिरयानी का एकदम बेहतरीन मसाला। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी से बिरयानी का स्वाद बेहतरीन आता है, लेकिन यहाँ पर हम हमारी वाली टेक्निक अपनाएंगे, घी देगा जबरदस्त स्वाद। 1 चम्मच डालेंगे तेल, इससे आएगी शाइन। एक बार ऐसे घुमा लेंगे और फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम। इस स्टेज पर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। अब इसमें जाएगा फ्लेवर के लिए 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 स्टार फूल और 1 बड़ी इलायची, बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है बिरयानी के। साथ ही डाल देंगे 6-7 साबुत काली मिर्च और साथ में जाएगी 4 के करीब लौंग, 3 से 4 हरी इलायची। इलायची वगैरह ना ये सब चीजें खुशबू देती है बिरयानी में, और बिरयानी तो आपको पता ही है जब तक असली खुशबू नहीं तब तक बिरयानी नहीं। हल्का सा सोटे करेंगे, ध्यान रखिए कोई भी चीज जलनी नहीं चाहिए, फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। और यहीं पर हम डालेंगे 1 बड़े साइज की प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ प्याज को हम बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर, अच्छा सा कलर आ जाए और कच्चापन निकल जाए। सारे आपको स्टेप बताती जा रही हूँ और ये बिरयानी ना आप जरूर बनाइएगा, इतना बेहतरीन टेस्ट होता है, मतलब वेज बिरयानी का बहुत ही सुपीरियर वर्जन है। और अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बिरयानी में एकदम जबरदस्त जादुई टेस्ट जगाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ डाबर होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट। काम बहुत कम हो जाता है हमारा क्योंकि जो डाबर होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसमें होती है एकदम फ्रेश अदरक लहसुन की खुशबू, एकदम डिस्टिंक्टिव अरोमा जो आपकी सारी रेसिपीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही बिल्कुल थिक और ग्रेनी होता है, लगेगा जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने घर में बनाया है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर बढ़िया से थोड़ी देर और भून लेंगे। और अब इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले, तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर,
तीन चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी। बस यही मसाले डालिएगा, एकदम जबरदस्त बनेगी आपकी पनीर बिरयानी। अच्छी तरह सभी चीजों को कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर मिक्स। ऑथेंटिक पनीर बिरयानी वाला टेस्ट देने के लिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश दही। दही को थोड़ा फेंट लीजिए। यहाँ पर लगभग हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच। आपको कुछ भी अलग से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बेहतरीन टेस्ट आ जाएगा इस तरह से। और दही डालकर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और इसको भूनेंगे। अब दही के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए और पनीर के टेस्ट को भी इनहेंस करने के लिए इसमें हम डालेंगे टमाटर। लेकिन यहाँ पर हम टमाटर काटने की भी मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ ले रही हूँ डाबर होममेड टोमेटो प्यूरे, जो कि बना हुआ है 100% राइप टोमेटो से। यानी लगेगा जैसे आपने खुद ही घर में फ्रेश टमाटर काट के प्यूरे तैयार किया है, और वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के और बिना रंग मिले हुए, एकदम शुद्ध। इसका नेचुरल कलर और थिकनेस हमारी डिश को बनाएगी और भी ज्यादा टेस्टी। और किसी भी तरीके की ग्रेवी जैसे राजमा, दम आलू, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, आलू मटर, सभी के लिए डाबर होममेड टोमेटो प्यूरे एकदम परफेक्ट है। बस सब चीजों को करेंगे मिक्स। तो यहीं पर डालते हैं 2 स्लिटेड हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, ये बहुत बढ़िया फ्लेवर देगी, तो इस तरह क्रश करके यहीं पर डाल दें। बेहतरीन हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बिरयानी का मसाला हो रहा है रेडी। सब चीजों को करेंगे मिक्स, स्वाद अनुसार नमक, और ये देखिए क्या मस्त तेल हमारे मसाले ने छोड़ दिया है। वो होटल वाले बनाते हैं ना, एकदम ऑर्डर करते हैं फटाफट बना के लाते हैं, तो ऐसे ही मसाला बना के रखते हैं और फिर तैयार कर देते हैं आपकी बिरयानी। तो बस इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर एक बढ़िया सा इसमें उबाल आने देंगे। तो लीजिए हमारी बहुत ही लाजवाब पनीर बिरयानी की ग्रेवी हो गई है बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं। तो बस इस स्टेज पर जब एक बढ़िया सा उबाल आ जाए गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए अब अपनी करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बिरयानी को असेंबल, यानी अब इसमें हमें देना होगा दम, तभी तो वो टेस्ट आएगा होटल टाइप का। एक बार क्या करेंगे ना, थोड़ा सा घी लेकर के एक बार आप कढ़ाई पर इस तरह घुमा लीजिए, मतलब ग्रीस कर लीजिए, और जो भी हमने मसाला ग्रेवी तैयार की ना वो सारी आप इसमें डाल दीजिए। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, कितनी टेम्पटिंग दिख रही है। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ ऊपर से हरा धनिया, और थोड़ा डालेंगे फ्रेश पुदीना, बहुत बढ़िया खुशबू आती है बिरयानी में। एक बार कर लेंगे मिक्स, और यहाँ पर हम डालेंगे हमारा मैरिनेटेड पनीर। इससे क्या होगा कि जो पनीर है वो बिल्कुल नरम रहेगा बिरयानी के अंदर, हार्ड नहीं होगा और टूटेगा भी नहीं। बिल्कुल लाइट हैंडेड लो फ्लेम पर एक बार टॉस कर लीजिए पनीर को पूरी ग्रेवी में। यहीं पर जब हम दम देंगे तो पनीर में सारे फ्लेवर इस मसाले के चले जाएंगे और इस तरह पनीर टूटेगा भी नहीं। बस हल्के हाथ से इस तरह मिक्स करके पनीर को यहाँ पर फैला देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और डाल रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना, और तैयार चावल की हम एक लेयर इस तरह से ऊपर हल्के हाथ से लगाएंगे। तो पूरी लेयर हम एक इसमें ऊपर से लगाएंगे, इसको कहते हैं बिरयानी में दम देना। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, जो चावल का पानी बचाया था ना हमने छाने थे चावल, वो पानी थोड़ा सा इस तरह से डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो चावल हैं वो बिल्कुल प्रॉपर मॉइस्चर रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे और टेस्ट बढ़िया आ जाएगा। अब इस पे जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस तरह से, साथ ही डाल देंगे पुदीना फ्रेश, बढ़िया टेस्ट और खुशबू शाइन के लिए डालेंगे इस तरह से 1 बड़ा चम्मच घी। और पनीर बिरयानी में अब नेक्स्ट हम डालेंगे केसर वाला दूध। मैंने थोड़े से गरम दूध में केसर के स्टेंट्स को भिगो कर रख दिया था। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लाइक करें तो इसकी जगह पर थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, रोज एसेंस भी डाला जा सकता है, केवड़ा भी डाला जाता है बहुत सी जगह पर, लेकिन केसर वाला दूध एक ऑथेंटिक बिरयानी में डलता ही डलता है। जो नेक्स्ट जरूरी चीज है बिरयानी की वो है फ्राइड प्याज, यानी तली हुई प्याज जो करारी वाली होती है। प्याज लीजिएगा, प्याज को लंबाई में कट करके तेल में फ्राई कर लीजिएगा, इसको बरिस्टा बोलते हैं, और इसको हम डालेंगे इस तरह से इसके ऊपर, और 2 स्लिटेड हरी मिर्च लीजिए। असेंबलिंग हो गई है, बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमें दम देना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है आटा, आटे का इस तरह से लंबाई में स्ट्रिप बना लीजिए, और लिट के किनारे पर इस तरह से हम आटे को लगा देंगे, जिससे कि जो भी स्टीम वगैरह बनेगी ना वो बिल्कुल अंदर इंटैक्ट रहेगी, खुशबू बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और चावलों में बढ़िया समा जाएगी। और इस पर हम लगा देंगे इस तरह से लिड, एकदम बढ़िया से प्रेस कर देंगे सब तरफ से। पहले 2 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे कि जो हमने नीचे ग्रेवी डाली है ना उसका उबलना शुरू हो जाएगा और उसकी जो खुशबू है वो चावल में समाने लगेगी। सब तरफ से बिल्कुल बंद कर देंगे। अब जैसे ये आटे वाला काम आपको नहीं करना हो तो आप क्या करें कि जो फॉइल पेपर होता है ना जो खाना पैक करते हैं, वो फॉइल पेपर पहले लगा दीजिए, फिर उसके ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए और फॉइल पेपर हर तरफ से दबा दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीका है आटे से करना। और 2 मिनट बाद हम गैस पर रखेंगे एक भारी तवा,
और इस तरह से लो फ्लेम पर तवे पर आप रख दीजिए। हम देंगे लगभग 15 से 18 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बिरयानी में दम। 15-18 मिनट हो गए हैं और बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करके 10 मिनट आप सेटल होने दें, उसके बाद हम बिरयानी को करेंगे सर्व। और 10 मिनट बाद धीरे से लिट को हटाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर थोड़ा सा स्टीम होती है। वाव, सुपर्ब हमारी खुशबूदार, लजीज और लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बिरयानी है बिल्कुल तैयार। राइस देख सकते हैं कैसे खड़ा खड़ा खिला खिला एकदम। अब आप बिरयानी निकालने के लिए इस तरीके का जो प्लेन वाला चमचा होता है ना उसे लीजिए और इसे जैसे पिज्जा होता है ना पिज्जा की तरह से ऐसे थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि मसाला और चावल सब दिखाई दे। धीरे से नीचे स्पून डालिए और टर्न कीजिए। ये देखिए इतना बेहतरीन, इतना लाजवाब स्वाद है कि आपके घर में बिरयानी बाजार से नहीं आएगी, पनीर बिरयानी तो घर में ही बनेगी। ये देखिए और कितना आसान है। और चावल देख रहे हैं आप, एक एक खिला खिला बस 3 सिंपल स्टेप्स में आप फटाफट से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं गर्मा गर्म सर्व। दाना दाना चावल का खुशबूदार और खिला हुआ, आप जैसे देख सकते हैं मसाला, इसका टेक्सचर, और ये देखिए पनीर एक पीस भी नहीं टूटा है। और अपनी सुपर टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बिरयानी को यहाँ मैं डेकोरेट कर रही हूँ थोड़े से फ्रेश पुदीने की पत्तियों से, और साथ में मैं पनीर बिरयानी को सर्व कर रही हूँ स्पेशल रायते के साथ। तो ये लीजिए हमारी फेस्टिवल स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत 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 ही टेस्टी पनीर बिरयानी है बिल्कुल तैयार। तो अब जनरल पुलाव मत बनाइएगा त्योहार पर, इस तरह से शाही पनीर बिरयानी यानी पनीर दम बिरयानी बना करके दीजिएगा पूरे परिवार और फ्रेंड्स को सरप्राइज। अब मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपके मुंह में पानी आया या नहीं, और आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप भी अपनी ग्रेवी, बिरयानी, इन सभी चीजों में स्वाद जगाना चाहते हैं, अरोमा चाहते हैं, तो आप डाबर होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट और डाबर होममेड टोमेटो प्यूरी को जरूर ट्राई करें। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें, और सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।